बिहार में विपक्ष में आ चुकी अब बीजेपी नए तरीके से काम कर रही है। अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ऐसा बयान दिया जिसे बीजेपी का हिंदू कार्ड माना जा रहा है। संजय जायसवाल के विवादित बयान पर बिहार की सियासत में भी उबाल आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने सीमांचल के दौरे पर रहेंगे जिसको लेकर बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के किशनगंज और दरिया में मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। संजय जायसवाल के बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि संजय जायसवाल के पास कोई काम नहीं है इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। संजय जायसवाल जी को और कोई काम नहीं है, जब से हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी हुई है तब से उनसे अनपच हो रहा है, उनको बड़ा परेशानी उनको बढ़ गई है। बोलना क्या बोल दे रहे हैं क्या, हमें लगता है कुछ दिन बाद उनका दिमाग काम नहीं करेगा, इसी सब पर बात करेंगे करते रहेंगे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि संजय जायसवाल जैसे लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर घूमते हैं। हमें अफसोस भी है और हैरत भी है। अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर लगा हुआ है उनके नाम के साथ और MBBS भी है। विपक्ष में बैठी बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान पर सियासी संग्राम तो होना ही था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान पर कब तक बयानबाजी होती रहेगी।